ॐ गृभ्यो नमो गं गणपतये नमः। ॐ हनुमतये नमः। ॐ रम्रमाय नमः। ॐ मातेश्वर्य नमो नमः। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। राशिफल आज का, उससे पूर्व आप सभी जो लोग अभी नया कुंडली दिखा रहे हैं, मैं बहुत सारे कुंडली देखते हुए देख रहा हूँ कि कुंडली अच्छा है लेकिन फिर भी समस्या है। धन हानि, प्राण पीड़ा, रोग रिपूर्ण, ध्वंस प्रलय, बर्बाद, चोर चपेट, एक्सीडेंट, दरिद्रता, ऋण, पति पत्नी, दाम्पत्य जीवन, रोग। तो देख रहा हूँ कि उनके कुंडली के अनुसार वास्तु में प्रॉब्लम, न्यूमरोलॉजिकल, किसका मोबाइल नंबर, किसका जन्मांक, भाग्यांक अलाइन नहीं है। तो मेरा अनुरोध है कि आप कुंडली से पहले दोनों हाथ का आगे पीछे, कपाल, पैर, साथ में आपके जो नंबर्स अच्छा से दें, क्वार्टर नंबर, घर का जो नंबर है या प्लॉट का नंबर है, और आपके जो वास्तु का डायग्राम है, मोबाइल नंबर, यूजेबल मोबाइल नंबर, ताकि कितना मैच कर रहा है देख लें। और वास्तु के अनुसार आप कहाँ आज उस घर में सो रहे हो, घर का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट फेस, नॉर्थ फेस, साउथ फेस, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उसको भी आप जरूर दें, ताकि मैं वास्तु नहीं करूँगा लेकिन ये बता दूंगा कि क्योंकि मेरा वास्तु का चैनल अलग है, न्यूमरोलॉजी का चैनल अलग है, तो एटलीस्ट मैं इंगित कर दूंगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है और यहाँ ठीक करो। इसलिए चलिए राशिफल पे चलते हैं। 28 तारीख, 2/8, 8 और 2/10, भवा 1, सूर्य भगवान, गुरुवार। ये 28 तारीख तो स्वाभाविक बात है, जो लोग भी 1, 10, 19 और 28 को जन्म हुए हैं, आज का दिन उनके लिए तारीख के अनुसार अच्छा रहेगा। और जो जिनका भी भाग्यांक 6 और 8 है, 6 यानी 6, 15 और 28 में जिनका जन्म है, और जिनका 8, 17, 26 में जन्म है, उनके लिए आज का डेट उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा। एनिमेटिक एनर्जी नंबर से मिल रहा है। और जिनका भाग मतलब नंबर 1, 2, 4, 5, 7, 9, इन बाकी सारे जो लोग जन्म हुए हैं उनके लिए फेवरेबल रहने वाला है। और न्यूट्रल गुरु बृहस्पति वाला, तो गुरु बृहस्पति का दिन है तो यहाँ पर 50% तो तारीख के अनुसार अच्छा आ गया। और गुरुवार है, और जिनका भी घर ईशान मुखी आज दरवाजा रहेगा, या ईशान फेस्ट रहेगा, या ईस्ट फेस्ट रहेगा वास्तु के अनुसार, उनके घर में कुछ मजा मस्ती आनंद दिखाई देगा। और साउथ फेस्ट, वेस्ट फेस्ट वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल आज, प्रॉब्लमेबल मीन्स उतना ज्यादा हैप्पी नहीं रहेगा। एक एनर्जी फ्लो वास्तु के अनुसार और न्यूमरोलॉजी के अनुसार बता दिया। तिथि तृतीया, और तृतीया तिथि और पक्ष जब आपके कृष्ण पक्ष हो तो तृतीया में तुरंत लाभ, तुरंत फल लाभ होता है। तो दिन तो अच्छा चल रहा है भाई, डेट भी अच्छा हो गया, तारीख अच्छा हो गया, तिथि भी अच्छा हो गया। इस तृतीया तिथि का, तृतीया तिथि में स्वाभाविक बात है गौरी, माँ गौरी का स्मरण करके चले, अधिपति गौरी। दग्धा तृतीया में रहेगा सिंह और मकर, तो इन इनको ज्यादा आशा नहीं करना, ये हाउस ही कंबस्ट रहेगा, तो उनके लिए ये तृतीया तिथि खास काम का नहीं रहेगा। और एज ए गुरुवार, गुरुवार का दिन यहाँ पर स्वाभाविक बात है एक प्रकार का एनर्जी मकर के लिए भी उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा। बात कर लेते हैं आज का तृतीया तिथि में धनु के लिए घातवार रहेगा, तृतीया सिंह राशि के लिए घातवार दिखाई दे रहा है, तृतीया तिथि कुंभ के लिए ये घात बार तो नहीं, घात तिथि
तो इनके लिए घात तिथि रहने वाला है, इनको थोड़ा सा सावधान से चलना है। और ये तृतीया तिथि हो जाए और नक्षत्र भी अगर अगेंस्ट हो जाए तो फिर थोड़ा समस्या होता है, लेकिन किसी का भी अगेंस्ट नक्षत्र नहीं चल रहा है तो अच्छा है, नक्षत्र से पॉजिटिव मिल रहा है, चिंता का भी विषय नहीं। ये गया तिथि फल, बार का बता दिया, गुरुवार है और गुरुवार स्वाभाविक बात है कि ये जो गुरुवार का दिन है कुंभ के लिए गुरुवार घात बार बनता है, गुरुवार तुला के लिए घात बार बनता है, तो बार के अनुसार ये लोग कहीं ना कहीं से थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए घात बार के अनुसार। तो बार फल भी हो गया, गुरुवार का है तो आध्यात्मिक और सात्विक के लिए अच्छा है, केला का गच्छ आज पूजा कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तृतीया चैत्र कृष्ण पक्ष, चंद्रमा ज्यादा पावर में नहीं रहता है, दो दो घर कंबस्ट है, और जब ये कंबस्ट रहेगा तो उस चीज में आपको कमी रहेगा, तो कर्म क्षेत्र कंबस्ट हुआ तो कार्मिक लेवल पे ढुस हो जाएगा। सिंह यानी प्रेम प्यार संतान का घर कालपुरुष कुंडली का कंबस्ट है, तो वहां से ज्यादा फल नहीं करेंगे। फिर जिसका ये हाउस जिस भाव में पड़ रहा है उस घर से, उस भाव से कोई बहुत ज्यादा आशा आज के डेट में नहीं करोगे, इनएक्टिव रहेगा थोड़ा सा। सोचो किसी को ये मकर, ये कर्क लग्न हो और यात्रा प्रेम प्यार का घर है तो मकर राशि, तो ये कंबस्ट हो गया तो यहाँ से आशा मत करो। ऐसे ही अगर कुंभ लग्न कुंभ राशि के हो और सिंह सप्तम में आ रहा है कंबस्ट है, तो इससे ज्यादा कुछ होप यात्रा इत्यादि में होप नहीं करना, आशा नहीं होना, कंबस्ट हो गया जल गया। हाँ पॉजिटिव रिजल्ट लेना है तो भोलेनाथ शिवलिंग मूर्ति का शिवलिंग के ऊपर आप पीपल गज के नीचे हो तो, या तो तुलसी गज के नीचे रख के पानी दिया जा सकता है तो कुछ काम में आएगा। या फिर आपके वास्तु के अनुसार ये दिशा जहां पड़ रहा है, जैसे मकर राशि, तो मकर राशि को अगर हम लोग जनरली देखते हैं उत्तर दिशा, आपके घर के उत्तर दिशा को देखिए, शनि का दिशा पश्चिम है लेकिन उत्तर दिशा में भोलेनाथ के शिवलिंग को ऊपर पानी डाला जा सकता है। बोले उत्तर दिशा में कहाँ से भोलेनाथ को लाएंगे, ट्रांसफरेबल शिवलिंग रहता है छोटा सा, वो हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली लेवल पे करते हैं, आप कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये तिथि के बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, आज का पंचांग देख लेते हैं। आज तिथि तृतीया, योग हर्षण करण व्यष्टि नक्षत्र स्वाति, 6:38 PM तक रहने वाला है, और 6:38 PM के बाद विशाखा नक्षत्र रात को चेंज हो जाएगा। तो चलिए आज थोड़ा सा स्वाति नक्षत्र को पढ़ लेते हैं। स्वाति नक्षत्र से नक्षत्र फल आज क्या रहेगा, तो इसका अधिपति जनरली वायु रहते हैं, और आज अभी सभी के अंदर इस नक्षत्र के कारण वीरता का भाव और नेतृत्व लीडरशिप क्वालिटी में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा काम देने वाला है। ढेर सारे स्वप्न आज आप लोग देखोगे और स्वप्नाभिलाषी बनने पड़ेगा, और आज आपका लॉक इस नक्षत्र में चंद्रमा रहने से लॉक साथ देता है। जो लोग आज क्रोध करेंगे उनके लिए बड़ा सारा नुकसान दिखाई देने वाला है, और मन में ढेर सारे स्वतंत्र विचार इंडिपेंडेंट थॉट्स बिल्डअप होने वाले हैं, और चतुरता के साथ कार्य लोग आपसे निकाल सकते हैं या आप निकाल सकते हो, और आपका विचार तीव्रता के साथ मन में चलने वाला रहेगा। शरीर में घात कहीं ना कहीं किसी किसी को मिल सकता है, और जो भी कष्ट आएगा आज आप सहन कर लोगे। तो ये था नक्षत्र का एनर्जी, और स्वाति नक्षत्र को दिन भर दिन मान को अगर हम लोग विचार करते हैं तो स्वाभाविक बात है यहाँ एक प्रकार का पॉजिटिव कार्य के लिए गाड़ी खरीदना और खेती पेड़ लगाना लंबा यात्रा टूर एंड ट्रैवल्स इस प्रकार के लिए उत्तम नक्षत्र है, और नेचुरली यहाँ गुरु के दृष्टि भी है तो हर प्रकार से अच्छा नक्षत्र फल दिखाई दे रहा है। सूर्य उदय 6:15, सूर्यास्त 6:37, सूर्योदय 9, चंद्रोदय 9:27 PM, चंद्रास्त 7:41 AM चंद्र अस्त हो जाएंगे। ऋतु वसंत शक संवत 1945, कली संवत 5125, विक्रम संवत 2080, और अभिजीत 12:01 से लेके 12:51 PM तक, राहु काल 1:59 PM से लेके 3:31 PM तक, दिशाशूल दक्षिण, एकदम ना जाएं, जाएं तो बड़ा सोच समझ के जाएं। चंद्रबल मेष वृष सिंह तुला धनु और मकर में बल रहेगा, कंबस्ट होने के बाद भी देखिए यहाँ पर बल है, यानी कुछ काम तो बनेगा, सिंह में भी बल है काम होगा, लेकिन कंबस्ट है ले आया रम गया रम।
नक्षत्रवल अश्विनी कृतिका मृगशिरा आद्र पुनर्वसु मघा मघा पुष मुघा उत्तर फाल्गुनी चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा मूल उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा शतभिषा पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद इनमें बल रहेगा। स्वाभाविक बात गुरु का गुरुवार है, बृहस्पतिवार है और होरा शुरू हो रहा है बृहस्पति का, तो एक प्रकार के आज सुबह मीन लग्न का उदय में बृहस्पति का होरा में राहु और सूर्य और बुध का स्थिति में आज कुछ कंट्रोल कर पाओगे सुबह का। अगर चाहो तो सुबह उठ के सुबह ही आप चाहो तो आपका दिन को ठीक कर सकते हैं। तो आज हमारे उड़ीसा पंचांग के अनुसार हर प्रकार के शुभ कर्म करणीय है। वृक्षरोपण नामकरण निष्कामण नट्यारंभ कार्य वाणिज्यकरण नव वस्त्र अलंकार धारण नौका यात्रा गठनम देवता गठनम प्राण प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा करणीय व्रतोपनयनम नूतन गृह प्रवेश नवदोल धारण नवसज्जा नवसज्जा दुपभोग दक्षिणा ग्रहणम दीक्षा ग्रहणम इत्यादि शुभ कर्म किया जा सकता। आज तुला कुंभ राशि घात बार ऑलरेडी बता दिया और आज इनको थोड़ा सा सावधान रहने का आवश्यकता रहेगा। और आज पुष्कर दोष मध्य व्यक्ति 5:52 गते पुष्कर दोष फल शांतिकरण है। गोत्र वंश संतान संतति विनाश, कोई ना कोई आपके संतान संतति आपके गोत्र से मर सकता है तो इसलिए शांति जरूर करना चाहिए। रजस चक्र कन्या भिक्षासी अपुत्री रज शांति करणीय। तो मीन लग्न 6:40 से बृहस्पति का हो रहा, बहुत मस्त एनर्जी है, सॉलिड एनर्जी है। थोड़ा सा यहाँ अच्छा काम करना चाहते हो सुइटेबल रहेगा, काम करने के लिए मजेदार रहेगा, लेकिन जो लोग लेट में उठ रहे हैं उनका बात छोड़ दो। और ये मीन सिंह का अष्टम मेष का द्वादश इनके लिए अनमैच मतलब थोड़ा सा डाउन रहेगा। मेष 8:24 तक और इसमें मंगल का हो रहा 7:17 से 8:19 तक रहेगा। मस्त फ्लो एनर्जी दिखाई दे रहा है, एकदम बढ़िया फुल फेज में काम कर सकते हो, व्यायाम एक्सरसाइज हर प्रकार का शुभ काम के लिए। फिर यहां पर 8:19 से 9:22 तक तब तक वृष लग्न क्रॉस कर रहा होगा तो इसमें सूर्य का हो रहा है, अति उग्र ऊर्जा रहेगा, हर काम में सफलता दिखाई दे रहा है। मेष के लिए भी यहाँ अच्छा है। कन्या का अष्टम वृष का द्वादश इनको शांत कर सावधान रहना है। वृष लग्न का समापन 10:23 तक और इस समय शुक्र और बुध का हो रहा, आहा हा क्या एनर्जी है, बढ़िया है, गुड है, गो गो, चिंता का कोई बात नहीं है। तुला का अष्टम मिथुन का द्वादश इनको थोड़ा सावधान। उसके बाद मिथुन 12:35 तक रह रहा है बुध और चंद्रमा का, वह सुइटेबल है, सपोर्ट है, मस्त है, फ्री फ्लो है, कर सको तो आज आप ही का है। वृश्चिक का अष्टम कर्क का द्वादश इनको सावधान रहना है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कर्क लग्न 2:49 तक और 2:49 तक शनि 12:26 से 1:28 तक रहेगा। यहाँ बहुत स्लो डाउन होगा, थकावट होगा, थक जाओगे, काम में स्लो डाउन हो जाएगा। उसके बाद इसी कर्क लग्न में 2:49 तक मंगल बृहस्पति का हो रहा 1:28 से 2:29, अभर एनर्जी रहेगा, मस्त काम होगा, संभाल लिया तो, नहीं तो फेलियर हो जाओगे। अब बात करते हैं कर्क लग्न का, ये स्वाभाविक बात है धनु का अष्टम सम का द्वादश इनको छोड़ दो, इनके लिए थोड़ा सा ये सुइटेबल नहीं रहेगा। उसके बाद बात करते हैं सिंह लग्न 4:58 तक और 4:58 तक यहाँ पर होरा मिल रहा है सूर्य 3:31 से 4:33 और शुक्र 4:33 से 5:35 तब तक कन्या क्रॉस कर रहा होगा लग्न, तो यहाँ थोड़ा मिसमैच एनर्जी दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सावधान होने का आवश्यकता है। मकर का अष्टम कन्या का द्वादश सावधान। अब बात करते हैं कन्या लग्न 7:06 तक और 7:06 तक बुध और चंद्रमा का, मस्त है एनर्जी, गो गो, बढ़िया है, सॉलिड है, एकदम बम बम। तो ये था आज का लग्न फल और होरा फल, यहाँ एनर्जी को समझना और दिनमान को सेटअप करना। और इसमें ये सिंह का अष्टम जो कन्या लग्न है और तुला का द्वादश रहेगा, ये लोग सावधान रहेंगे, इस समय कहीं ना कहीं समस्या में बिल्डअप हो सकते हैं, उनको सामना करना पड़ सकता है। तो सप्तम चंद्रमा मेष के लिए
आंख मूंद के 70% गुड है, एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती सुख शांति संभोक्ता के साथ नेतृत्व लेने का कैपेसिटी से लेके कई प्रकार के, हाँ क्रोध कर लोगे नुकसान हो जाएगा आपके लिए, यहाँ एनर्जी दिखाई दे रहे हैं। वृष का छठा आरोग्यता सफलता लेकिन शरीर में घात का संभावना। मिथुन के लिए पंचम चंद्रमा ढेर सारे नुकसान, क्रोध किया तो और ज्यादा नुकसान, यहाँ पर एनर्जी घट कम दिखाई दे रहा है, 47 का एनर्जी है, कोई पेपर इत्यादि सिग्नेचर मत करो बढ़िया नहीं रहेगा। कर्क के लिए चतुर्थ चंद्रमा माता के लिए थोड़ा सा चिंतन विषय रहेगा, मानसिक तनाव भी यहाँ बिल्डअप हो सकता है लेकिन उतना ज्यादा नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का दृष्टि में चंद्रमा के ऊपर उत्तम फल प्राप्ति का भी योग है लेकिन कॉन्फिडेंस में कमी रहेगा, कार्मिक एनर्जी में थकावट रहेगा। यहाँ सुम का बात करते हैं, सॉलिड टॉप गुड बेस्ट 60 70 80 तक एनर्जी जाएगा, मस्त एनर्जी है यहाँ आपके लिए, उत्तम आज का दिन रहेगा। बात करते हैं कन्या द्वितीय चंद्रमा धनवाणी परिवार के क्षेत्र में थोड़ा संभल के चलना जरूरी है, चतुराई आप करोगे और उसमें फंसोगे, थोड़ा सा बचना। तुला के लिए बात करते हैं, यहाँ पर 70 तक बेस्ट एनर्जी जा रहा है, 30% परेशानी यात्रा इत्यादि में लेकिन संभल जाओगे तो आज बहुत कुछ फायदा उठा सकते हो, मन में ढेर सारे नए नए विचार और चिंतन आ सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक के लिए द्वादश चंद्रमा खर्चा नुकसान परेशानी दे सकता है, यहाँ पर 12 का एनर्जी चल रहा है भूल जाओ। धनु के लिए एकादश चंद्रमा मस्त गुड सॉलिड बेस्ट 80 90 का एनर्जी जा रहा है, जिन जो लोग जान चुके हैं मैनेजमेंट करना 100 तक एनर्जी का फुल सफलता। मकरु कार्य सिद्धि योग सफलता टॉप गुड बेस्ट लेकिन फिर भी थकावट दिखाई दे रहा है। और मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ, कोई भी चीज गिर सकता है, काम में परेशानी हो सकता है, ढेर सारे वर्कलोड बढ़ सकता है, नहीं चाहते हुए भी कार्मिक लोड बढ़ेगा और जिसके लिए परेशानी हो सकते हो। और जिसके घर में बैटरी उटरी होगा थोड़ा सा संभल के, इलेक्ट्रिक उटरी होगा थोड़ा संभल के, कोई भी चीज ट्रांसफर कर रहे हो नुकसान हो सकता है, थोड़ा संभल के मन जाएगा उधर करने के लिए। और बहुत सारे कार्य आप आज कैंसिल भी करने के लिए मूड में रहोगे। कुंभ के लिए बात करते हैं तो ये नवम चंद्रमा राहत है, आज सफलता दिखाई दे रहा है, 47 55 तक का भी एनर्जी जाएगा, संभाल के कर सकते हो तो, लेकिन 7.5 कहाँ संभालोगे, खुद से नहीं समझ रहा है, कुंभ राशि वाले आज गाली दे रहे हैं, ऐ जिंदगी बर्बाद हो गया, कुंभ राशि खराब है, मकरू वाले भी ऐसे बोल रहे थे, अभी ठीक हो गया ना, तो बोल रहे मकरू वाले अच्छे हैं, ठीक है मटके वाले अच्छा। बात करते हैं मीन के लिए अष्टम चंद्रमा कार्य में बाधा, मानसिक तनाव और टेंशन और पीड़ा और यहाँ बड़े सारे प्रॉब्लम्स बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा ताव भाव दिखाओगे, क्रोध दिखाओगे, नुकसान हो सकता है, दबक के रहना और मन में ढेर सारे अगेंस्ट और चीज बन सकते हैं। ये था आज का राशिफल, बेसिक एनर्जी के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं नक्षत्रफल, स्वाति 8 बजकर बाद चेंज हो जाएगा विशाखा, तो स्वाति को टारगेट बना लेते हैं आज हम लोग, कल चित्रा स्वाति था, आज स्वाति में कंप्लीट एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो अश्विनी मेष मघा सिंह मूल धनु आपके लिए आज बन रहा है जन्म संपत्ति विपद क्षमा प्रत्यारी साधक पारा में मस्त गुड बढ़िया। भरणी मेष पूर्व फाल्गुनी सिंह पूर्व साढ़ा धनु मकर आपके लिए जन्म संपत्ति विपद क्षमा प्रत्यारी तारा पे आ रहा है 50% गुड। कृतिका मेष मेष उत्तर फाल्गुनी सिंह कन्या उत्तर साढ़ा धनु मकर आपके लिए जन्म संपत्ति विपद क्षमा तारा पर है मस्त। रोणी वृष हस्ता कन्या श्रवणा मकर आपके लिए विपद तारा सावधान। मृगशिरा वृष मिथुन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकर कुंभ संपत्ति तारा कुछ ना कुछ मिल सकता है। अद्रा मिथुन स्वाति तुला सतभिषा कुंभ जन्म तारा 70% गुड। पुनर्वसु मिथुन का विशाखा तुलावशी पूर्व कुंभ कुंभ और मीन अतिमित्र जोन पे अच्छा। पुष्य कर्क अनुराधा वृश्चिक उत्तर भाद्रपद मीन मित्र जोन टॉप गुड बेस्ट। अश्लेषा कर्क ज्येष्ठ वृश्चिक रेवती मीन आपके लिए जन्म संपत्ति विपद क्षमा तारा चले बुल एनर्जी जन्म संपत्ति विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्ध तारा में 50% सावधान भी रहने का आवश्यकता है। तो ये था तारा फल नक्षत्र फल जन्म फल। और यहाँ एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला विषय आज का जो एनर्जी है इसमें थोड़ा सा जो लोग 7.5 वाले हो अभी इस कंडीशन में मैं आप लोगों को कहूंगा कि कोशिश करके हनुमान चालीसा 9 बार तक लेने का व्यवस्था, 7 बार तक लेने का व्यवस्था जरूर करें। और गुरुवार का दिन है और यहाँ जितना ज्यादा ऐसे जो अच्छा हाँ ये बोल रहा जिसके लिए बोल रहा था, जिनका कंबस्ट है इनको, जैसे को मकर को कंबस्ट है सिंह कंबस्ट है, इनको आज के दिन थोड़ा सा ज्यादा पानी पीना चाहिए। इन जो लोग मकर राशि वाले हो तीनों नक्षत्र वाले थोड़ा सा ज्यादा पानी अगर पीते हो तो थोड़ा सा इस प्रकार का एनर्जी आपको बैलेंस करते हुए लगेगा और आपको थोड़ा समस्याएं जैसे मेंटल कम्बस्ट होने से थकावट रहता है, कम्बस्ट होने से हारा हुआ जैसे लगता है, बनता हुआ काम नहीं होता है, काम करने का इच्छा नहीं होता है, कितना भी अच्छा एनर्जी ऊर्जा मिल जाए लेकिन आपके सारे काम आके विनष्ट होने के कगार पे आ जाते हैं। या दिन मान शाम का टाइम जब आप कोई भी चीज़ का हिसाब लगाते हो तो वो कोई खास रिजल्ट नहीं मिल पाता है।
ऐसे कंडीशन में आपको थोड़ा ज्यादा पानी पीना चाहिए। दूसरा क्या है कि जिस दिशा में, जैसे ये उत्तर दिशा पड़ रहा है तो उत्तर दिशा में थोड़ा सा लेके पानी आज के लिए केवल जो कम्बस्ट है तो, और भोलेनाथ के ऊपर अगर डाल सकते हो तो उस एरिया का, मतलब भोलेनाथ का पानी वहां गिरेगा। अगर आपका घर ऐसा स्पेस है तो भले दो बूंद गिर जाए तो, लेकिन पेड़ में नहीं लगना चाहिए, इस बात का ध्यान देना, तो अच्छा फल दे देता है। धन्यवाद, नमस्कार।